सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप करेंगे। यह आपके सिलेबस में आए हुए हैं। आप अपनी छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए अपनी संस्कृत व्याकरण को कवर कर सकते हैं। जितने भी आपके शब्द रूप की वीडियो मैं आपको दे रही हूँ, आप अपनी छुट्टियों में उन सभी शब्द रूपों पर अभ्यास करके अपनी संस्कृत व्याकरण को अच्छे से कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और आपके इकारांत पुल्लिंग वाले शब्द रूपों की वीडियो बना चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम अपने इकारांत स्त्रीलिंग में मति के शब्द रूप करेंगे। मति ही, मति, मत्य, मतीम, मति, मति ही, मत्या, मतिभ्याम, मति भी, मत्यै, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्याह, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्याह, मत्यो, मतिनाम, मत्याम, मत्यो, मतिसु। इस प्रकार आप अपने मति के शब्द रूप याद करते हुए आए हैं, लेकिन इनको हम अपने ही तरीके से याद करेंगे जैसे हम अपने शब्द रूप याद करते हैं। पहले इसका भी एकवचन याद करेंगे, उसके बाद बहुवचन और अंत में आपका द्विवचन याद करेंगे। पहले आप इसके एकवचन वाले शब्द रूप मेरे साथ दोहरा लीजिए। मति ही, मतीम, मत्या, मत्यई, मत्याह, मत्याह, मत्याम। यहाँ पर आपका जो संबोधन है वह अगले पेज पर लिखा हुआ है, इसलिए वह आपको दिखाई नहीं देगा। उसको आप केवल शब्दों से ही समझ लीजिए। मति का जो संबोधन है आपका एक वचन में वह है आपका हे मते। अब आप इनको दो दो विभक्ति में एक साथ मेरे साथ दोहराइए। मति ही, मतीम, मत्या, मत्यई, मत्याह, मत्याह, मत्याम, हे मते। इस प्रकार पहले आप इनको एक या दो बार दोहरा लीजिए और उसके बाद इसका लिखित में अभ्यास कीजिए। अब आप अपने बहुवचन वाले शब्द रूप देख लीजिए। इनको भी आप पहले एक एक करके मेरे साथ दोहराएंगे। मत्यह, मति ही, मति भी, मतिभ्य, मतिभ्य, मति नाम, मतिसु, हे मत्य। जो मैंने आपका हे मत्य बोला है यह है आपका संबोधन वाली विभक्ति में है। अब आप इनको दो दो विभक्ति के साथ दोहराएंगे। मत्याह, मति ही, मति भी, मतिभ्य, मतिभ्य, मति नाम, मतिसु, हे मत्य। आप इनको भी लिखित में अभ्यास कर लीजिए। अब आप अपने द्विवचन वाले रूप दोहराइए। मति, मति, मतिभ्याम, 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 मत्यो, मत्यो, हे मति ही। द्विवचन वाले शब्द रूप आपके सबसे ही इजी होते हैं, इसलिए मैं आपका यह अंत में दोहराती हूँ। इस प्रकार आप अपने इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप याद कर सकते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग में आपके कीर्ति, शक्ति, रुचि, सुरुचि, प्रगति, गति आदि जो आपके ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, उनके शब्द रूप आपके मति के समान ही चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, जिनको प्रयोग करके आप अपने किसी भी इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्दों के शब्द रूप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने आपका प्रगति शब्द लिया है। इस प्रगति शब्द में हम अपनी इस इजी ट्रिक को जोड़ेंगे और आपके शब्द रूप बनाएंगे। जो हम इस इजी ट्रिक से अपने शब्द रूप बनाएंगे उसके लिए आपका जो शब्द होगा वह आपका इकारांत स्त्रीलिंग वाला ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपके स्वर उससे पहले ही अलग करके इजी ट्रिक के रूप में लिख चुकी हूँ। तो आप जो शब्द लेंगे उसको आप हलंत्य रूप में लेंगे। कहने का अर्थ है कि उस वाले शब्द में से आप स्वर अलग कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर प्रगति जो इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है वह लिया है, लेकिन मैंने उससे आपका ई स्वर को अलग कर दिया है और आपका जो शब्द बनेगा प्रगत लंतियता के साथ बनेगा।
इस वाले शब्द में हम अपनी इजी ट्रिक को जोड़ते हुए अपनी प्रगति इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द का शब्द रूप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो आपका शब्द है प्रगत्य प्लस इही, तो आपका शब्द बनेगा प्रगति ही। इसी प्रकार आपका प्रगत्य प्लस इम, तो आपका शब्द बनेगा प्रगतिम। प्रगत प्लस या, तो आपका शब्द बनेगा प्रगत्या। चतुर्थी विभक्ति में प्रगत प्लस यही बनेगा आपका प्रगत्यई। प्रगत प्लस याह, तो आपका शब्द बनेगा प्रगत्याह। षष्ठी विभक्ति में भी आपका याह ही आपकी इजी ट्रिक है, तो आप अपनी प्रगत शब्द में याह ट्रिक को जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा प्रगत्याह। आपकी स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों में पंचमी और षष्ठी विभक्ति की एक वचन वाले शब्द रूप एक समान ही होते हैं। सप्तमी विभक्ति में आपका याम, जो आपकी इजी ट्रिक है, वह आप अपनी प्रगत शब्द में जोड़ेंगे, आपका शब्द बनेगा प्रगत्याम। और संबोधन में आप जानते ही हैं कि आपकी प्रथमा विभक्ति वालों का ही पुनरावृत्ति हो जाती है, लेकिन एक वचन में आपकी संबोधन में भिन्नता होती है। यहाँ पर जो आपका संबोधन बनेगा वह आपका बनेगा हे प्रगते। आप अपनी बहुवचन वाली इजी ट्रिक से भी अपने प्रगति इकारांत शब्द के शब्द रूप बनाना सीख लीजिए। प्रगत आपका शब्द लेंगे और जो आपकी इजी ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है उसको हम जोड़ते हुए आपके बहुवचन वाले शब्द रूप बनाएंगे। प्रगत प्लस अय, तो आपका शब्द बनेगा प्रगत्य। यहाँ पर जो आपका आस्वर है वह आपके हलंतीयता को पूर्ण कर देगा। द्वितीय विभक्ति में आपकी इही, जो इजी ट्रिक है, उसको आप प्रगत में जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा प्रगति ही। इसी प्रकार आपका ई भी और आपके प्रगत शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा प्रगति भी। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति आपकी बहुवचन में समान होती है, तो आप अपने इभ्य इभ्य वाले शब्दों को जब प्रगत में जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा प्रगतिभ्य प्रगतिभ्य। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आपका इनाम, जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है, उसको आप प्रगत में जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका प्रगति नाम। सप्तमी में आपका ईशु को प्रगत में जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका प्रगतिशु। और आपकी जो संबोधन वाली विभक्ति है वह आपके एक वचन की ही पुनरावृत्ति है, तो आपकी शब्द बनेगा हे प्रगत्य। इसी प्रकार आप अपनी शॉर्ट ट्रिक को द्विवचन वाले शब्द रूप में भी प्रयोग करेंगे। आपका शब्द जो हमने प्रगति इकारांत लिया है उसके प्रगत शब्द को ई से जब हम जोड़ेंगे तो आपका ई जो स्वर है वह आपके हलंतीयता को पूर्ण करेगा और अपनी मात्रा के रूप में आपको मिल जाएगा, तो शब्द बनेगा आपका प्रगति। द्वितीय विभक्ति में भी आपका प्रगति ही बनेगा। तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में आपके एक समान होते हैं, तो आप अपने प्रगत शब्द में इभ्याम जब जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा प्रगतिभ्याम प्रगतिभ्याम प्रगतिभ्याम। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति आपकी एक समान होती है, इसमें जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है वो है आपकी योहो, तो आप अपने प्रगत शब्द में जब योहो जोड़ेंगे तो आपका प्रगत्योहो प्रगत्योहो इस रूप में शब्द आपको मिल जाएंगे। संबोधन में आपका, जैसे मैंने बताया है कि आपके प्रथमा विभक्ति का ही पुनरावृत्ति होती है, लेकिन आपके ईकारांत स्त्रीलिंग में आपकी प्रथमा विभक्ति में यहाँ पर आपके विसर्ग नहीं है, लेकिन संबोधन में आपके हे प्रगति ही विसर्ग के साथ आपका शब्द आएगा। तो आप अपने इस प्रकार ईकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप बना सकते हैं। इन वाले शब्द रूप का आप लिखित में अभ्यास कीजिए, जो मैंने आपको प्रगत की शॉर्ट ट्रिक से समझाए हैं आप अपनी वह वाले शब्द रूप भी लिखकर अभ्यास कर सकते हैं, या उससे अलग जो आपके कीर्ति शक्ति रुचि, कहने का अर्थ है कि जितने भी आपके इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप हैं उनमें से आप किसी पर भी अपनी शॉर्ट ट्रिक पर अभ्यास करके अपने इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्दों को अच्छे से याद
कर सकते हैं। आप जितना लिखित में अभ्यास करेंगे संस्कृत विषय में आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। मिलते हैं आपकी अगले वीडियो में, जो आपकी इकारांत नपुंसक लिंग की होगी। सर्वेभ्य नमो नमः।